आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों को देखने वाले हैं जो कि मशीन से भी तेज गति से और मशीन से भी अच्छे तरीके से कार्य को करते हैं। ये वर्कर अपने कार्य में बहुत ही अनुभवी और बहुत ही स्किलफुल हैं, जो कि किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। तो आज हम इन स्किलफुल और फास्टेस्ट वर्कर्स को देखेंगे, जिनको देखकर आप बहुत ही हैरान होने वाले हो। इन वर्कर्स को देखिए, ये कितनी आसानी से और बहुत ही तेज गति से इन पत्तियों की हार्वेस्टिंग कर देते हैं। इन वर्कर्स का कार्य चश्मों का फ्रेम बनाना है। ये देखो, यह वर्कर किस तरह से टोपियों का ऊपर वाला साचा बना रहा है। बहुत ही तेज गति से ईंटों का फर्श तैयार कर दिया जाता है। जमीन के अंदर बहुत ही तेज गति से बीजों को बोने के लिए ये वर्कर बहुत ही तेज गति से कार्य कर रहे हैं। मूंगफलियों के अंदर से दानों को निकालकर उनको नमक के अंदर कुछ इस तरह मिक्स किया जाता है। इन पत्तियों की हार्वेस्टिंग करके इनको इस बड़े से कंटेनर में डाला जा रहा है। सब्जी को गर्म रखने के लिए उसकी पैकिंग कुछ इस तरह भी की जा सकती है। पूरियां व कटोरी बनाने वाली जारनी को कुछ इस तरह बनाया जाता है। एक वर्कर तो कसी के द्वारा मिट्टी में खुदाई करता है और दूसरा वर्कर उसमें फटाफट पौधे लगाता जाता है। सभी संतरे अपने अपने साइज के अनुसार क्रेट्स में चले जाते हैं। कपड़ों की सुंदर सी लेयर्स को ये वर्कर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। कपड़े धोने वाले व पेंट करने वाले ब्रशेज को कुछ इस तरह बनाया जाता है। लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठों को इस मशीन के अंदर डालकर उनका चूरा कर दिया जाता है। अंडों को क्रेट्स में रखने से पहले उनकी सिकाई कुछ इस तरीके से की जाती है। बड़ी बड़ी व लंबी लंबी रस्सियों को कुछ इस तरीके से इकट्ठा करके उनको गोल गोल बांध दिया जाता है। तीन पतली पतली रस्सियों से एक मोटा रस्सा बना दिया जाता है। धनिये को खेत में से उखाड़कर उसको बांध दिया जाता है और फिर उसकी जड़ों को काटकर उसको खेत में ही बेचने के लायक बना दिया जाता है। ये देखो, यह वर्कर किस तरह से सामान रखने के लिए टोकरी बना रहा है। यह वर्कर इस टूल की मदद से खेत को बहुत ही आसानी से जोत देता है। बहुत सारे गमलों में लगे हुए पौधों को एक ही बारे में इस ब्लेड की मदद से सेट कर दिया जाता है। यह वर्कर अब इन तारों से एक झरने को बना देगा। इस वर्कर को देखो, यह कैसे एक पत्थर से दो टाइल्स को बना देता है। मिट्टी की ईंटों को फटाफट काटकर उनको एक जगह पर लगाया जा रहा है। इस साचे के द्वारा ईंटों को बनाया जाता है। सबसे पहले तो इसमें गीली मिट्टी को भर दिया जाता है और फिर इसको उल्टा करके ईंटों को निकाल दिया जाता है। छत पर पतली पतली टाइल्स को कुछ इस तरह से बिछाया जाता है। बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस करने में ये वर्कर बहुत ही माहिर है। पकी हुई फसल को बहुत ही तेज गति से हार्वेस्ट किया जा रहा है। यह वर्कर मिट्टी से पतली पतली सीखे बनाने का कार्य करती है, जो कि अपने काम में बहुत ही माहिर और अनुभवी हो चुकी है। ये वर्कर मिट्टी से कीबोर्ड के शेप के पीसेस बना रहे हैं। इस टूल की मदद से बेलों को कहीं पर भी बांध दिया जाता है और उनकी पकड़ मजबूत कर दी जाती है। यह वर्कर फटाफट से बहुत सारे डोसों को तैयार कर देता है। मनियों को बहुत ही तेजी से धागों में डाल दिया जाता है, जो कि इस लोहे के तार की मदद से किया जाता है। इस टूल की मदद से जमीन में पौधों को लगाना बहुत ही आसान हो गया है। बस इसमें ऊपर से पौधों को डालो और नीचे से पौधों को जमीन के अंदर लगा दो।
पौधों को जमीन में लगाने के लिए प्लास्टिक के रैपर में कुछ इस तरीके से होल किए जाते हैं। ये वर्कर अपने काम में बहुत ही माहिर हैं, जो कि बहुत ही तेजी से जमीन में पौधों को लगा देते हैं। ये देखो, ये वर्कर अपने एक ही हाथ से डिस्क को तैयार कर रहा है। पत्तियों की बहुत ही तेजी से हार्वेस्टिंग करने के लिए इन वर्कर्स के पास यह बहुत ही अनोखा तरीका है। यह वर्कर चटाई को तैयार करने का कार्य कर रहा है। मिट्टी के बर्तनों के ढक्कनों को कुछ इस तरह से पेंट किया जाता है। यह वर्कर बहुत ही तेजी से जमीन पर पॉलीथीन को बिछा देता है। मिट्टी के पीसेस को कुछ इस तरीके से तैयार करके लोडेड कर दिया जाता है। इस मशीन के द्वारा कपड़े टांगने वाले हैंगर्स को बनाया जाता है। वर्कर्स के द्वारा इस मशीन से रोड पर तारपोल को बिछाया जाता है। जमीन के अंदर कुछ इस तरीके से स्टूल के द्वारा गड्ढे किए जाते हैं। सीमेंट को इस कंटेनर के अंदर भरकर सभी जगह पर सेम अमाउंट में डाल दिया जाता है। ये वर्कर पैंट्स पर कुछ इस तरीके से कलर व डिजाइन बनाते हैं। बहुत सारे तारों के गट्ठों को मशीन के अंदर डालकर उनसे जाली बना दी जाती है। ये वर्कर रोड को साफ करने का कार्य कर रहे हैं। इस टूल के अंदर से बहुत ही तेज गति से पानी का प्रेशर निकलता है, जो कि रोड को साफ कर देता है। इस लिक्विड के ऊपर कलर डाला हुआ है, क्योंकि इस लिक्विड के अंदर अब यह टीन डुबो जाएगी और इसका कलर इस टीन पर आ जाएगा। यह वर्कर एक ही बारी में सारे फ्लोर पर लगी हुई सीमेंट को एक समान करता जाता है। ये वर्कर इस मशीन के द्वारा रोड के बीफ व्हील के पार्ट को हटा रहे हैं। इन वर्कर्स ने इन पत्थर की टीनों को ऊपर छत पर चढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिया है। पहले तो पाइप को गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद उसको लोहे के दूसरे पाइप में फिट कर दिया जाता है। इस तार की मदद से दीवार पर लगी हुई फालतू सीमेंट को बहुत ही आसानी से उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए वैसे शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर करना मत भूलना।